तू पता ना दिल पे कब्जा जमाने से होती है रूम में उतरने और वापस नहीं आते। लेकिन आपकी कभी भी जीत नहीं हो सकती क्योंकि आप मेरे रूम में नहीं उतर सकते अभी। इससे ज्यादा मेरी कोई अहमियत नहीं है उसकी जिंदगी में। कभी भी नहीं। लेकिन तुम ये मत समझना मैं तुम्हें आजाद करने आसानी से आजाद नहीं करूंगा। तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। मुझे बातें कर क्या बातें करूँ आप? मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं यही सुनो। जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूँ मेरा आना ही मेरा और कभी मेरा नहीं हो पा रहा। कोई भी जिद मत कीजिए मुझे। सुनिए तो तुम जा रही हो बड़ा तुम्हारे साथ। मुझे हाथ मत लगाइए। लेकिन वो झूठ वहां से लेकर कसूर क्या था मेरा? क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा और कोई नहीं। शादी जिद से नहीं खुलूस से की जाती है, मोहब्बत से की जाती है। जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है तो मेरी प्रॉपर्टी हो, उसे हासिल करना तो दूर की। एक जीते जागते इंसान को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं आप? कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई भी अगर तुम्हें गंदी नजरों से देखेगा ना, चीजें और इंसानों में बहुत फर्क होता है। उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। मेरे तो करीब है तुमसे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह होगी। उससे मोहब्बत करना से मोहब्बत करता हूँ। बहुत शरीफ मोहब्बत करता होगा मुझसे मोहब्बत। तो आप ये दुआ करें कि मेरे दिल में अभी के लिए नफरत बढ़ती चली जाए, कम ना हो। मेरी मोहब्बत हमेशा ड्रामे ही लगी है, कभी मुझ पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। आपने कभी मुझसे मोहब्बत की? लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे बदल सकती है। अगर मुझे कोई मसला हो, अगर तो तुम ये सोचते हो कि मैं बदल जाऊंगा तो मुझे ठीक कर। कुछ ठीक नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ ठीक कर दूँ। तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे सीधे रास्ते पे ला सकती थी। मैं क्यों जानूं? कहाँ थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने सोचा तुम मेरा इंतजार करोगी। तुझे ये दिल बताए क्यों तेरी बाहों में ही चैन आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझे।